शोकेस की दुनिया से एक बार फिर से एक बुरी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि कन्नड़ एक्ट्रेस पूजा के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। अपकमिंग फिल्म के एक गाने की शूटिंग एक्ट्रेस कर रही थी, तभी अज्ञात लोग सेट पर पहुंचे। तेज धार हथियार उनके पास थे। सेट पर पहुंचने के बाद उन्होंने शोभा के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। उनका हाथ पकड़ा और खींचने की कोशिश की। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेकर्स या एक्ट्रेस की ओर से पुलिस को कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि बिना शिकायत दर्ज कराए वो मामले की जाँच भी नहीं कर सकती। बता दें कि यह कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले में ये तमाम घटना हुई, जहां शोभा अपकमिंग फिल्म के गाने की शूटिंग में बिजी थी। तभी कुछ बदमाश बाइक लेकर सेट पर पहुंचते हैं। उनके हाथ में तेज धार हथियार थे। सेट पर पहुंचने के बाद हंगामा शुरू हुआ। फिर शोभा के पास चले गए, उसके साथ भी बदतमीजी करनी शुरू की। हाथ को पकड़ा और उसके बाद खींचने की कोशिश की। तुरंत घटना के बाद शूटिंग को रोक दिया गया। पुलिस के आने जाने से बदमाश डर गए और सेट से फरार हो गए। ये दुर्घटना केंद्रमुखा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आती है। हालांकि फिल्म के मेकर्स या शोभा ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यही कारण है कि मामला सामने आने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका मानना है कि बिना शिकायत दर्ज कराए मामले की जांच नहीं हो सकती। शोभा के फिल्म डायरेक्टर सुधीर का कहना है कि उन्होंने सेट बनाने से पहले संबंधित अधिकारियों से जरूरी परमिशन ले लिए थे। साथ ही सेट बनाने में उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए थे। टीम ने बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को भी हायर किया था।